मेडिकल अस्पताल में डेंटल के 8 विभाग है। हर विभाग में पेशेंट की कोरोना वायरस की जांच की जाती है। कोरोना वायरस से जुड़ी सतर्कता चीजों का स्टॉक राज्य सरकार की ओर से मांगा गया है, ऐसी जानकारी डेंटल विभाग के डीन डॉक्टर फडनाइक ने दी है। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में कोरोना वायरस से जुड़ी समस्या का हल निकालने के लिए कोरोना वायरस सेंटर में निदान किया जा रहा है। मेडिकल अस्पताल में अलग अलग विभाग है, उन्हीं में से एक विभाग डेंटल का है। डेंटल के कुल 8 विभाग है। डेंटल विभाग में कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए व जांच के दौरान सतर्कता बढ़ाने के लिए कुछ चीजों का स्टॉक राज्य सरकार से मांगा गया है, जिनमें ट्रिपल लेयर मास्क 10,000, N95 मास्क 1,000, पर्सनल प्रोटेक्शन किट 200, हैंड सैनिटाइजर 100, जिसमें हर एक बोतल 1 लीटर की होती है, और ग्लव्स आदि की मांग राज्य सरकार से की गई है, जो बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे की जानकारी डेंटल विभाग के डीन डॉक्टर फडनाइक इन्होंने इन विषय समक्ष दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विषय की टीम जो आई हुई है डेंटिस्ट विभाग में आई हुई है, जहां पे इस समय में हमारे साथ में मौजूद है डेंटिस्ट विभाग के डीन डॉक्टर फडनाइक साहब। डॉक्टर फडनाइक साहब से हम ये जानने के लिए आए हैं कि इन्होंने राज्य सरकार के और क्या जो कोरोना वायरस को लेके जो एक जो चीज़ें लगती है, वस्तुएं जो लगे होनी जो चाहिए रहती है, उन्होंने कितने प्रतिशत मंगाए है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बताएं कि राज्य सरकार से आपने क्या क्या चीज़ें मंगाई है। अभी राज्य सरकार से हमने 10,000 ट्रिपल लेयर मास्क मंगाए है, फिर 1,000 हमने N95 मास्क मंगाए है, और हमने 200 पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स मंगाई है, फिर हमने ग्लोव्स भी मंगाए है, और सैनिटाइजर्स का भी हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें भेज दिए जाए ताकि कोरोना वायरस से मुकाबला कर सके। और ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे जो डॉक्टर लोग हैं जो पेशेंट पे उनका इलाज करेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए मंगाई गई है। तो हमारे सब फैकल्टी, हमारे सब पदव्युत्तर विद्यार्थी, हमारे सब चिकित्सालय सहायक अंतर्वासिता और हमारे विद्यार्थीगण, ये सब जो पेशेंट्स हैं उनको जब इलाज करेंगे तो उसके लिए ये सब चीज़ें हमने मंगाई है। कितने दिन में आने का प्रॉब्लम? ये सर कल हमने पूरी रिक्वायरमेंट भेजी है और कल तक आ जाएगी, और तब तक हमने उनका उसका राह नहीं देखते हुए ये सारी चीज़ें स्थानीय बाज़ार से खरीदी करने के लिए भी इंतज़ाम किया है। करीब करीब हम 10 डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट को 5,000 के ऐसे 50,000 का सब सामान हमने मंगाया है ताकि रुग्ण सेवा में खंड न पड़े। कोरोना वायरस को लेके काफ़ी एहतियात यहाँ पे बरतता हुआ नज़र आ रही है कि जिस तरह से कोई भी पेशेंट आता तो उनका स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। इतना नहीं तो जो जो चीज़ें जो चाहिए जैसे ग्लव्स है, पूरी एक जो किट आती है वो अगर कम है तो राज्य सरकार वो पूरी पूर्तता करने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार से इन्होंने ये दरखास्त की है, अपील की है, और उनको एक कोटेशन भेजा है कि इस तरह के ये चीज़ें होना, और बहुत जल्द राज्य सरकार भी इनके विभाग वो चीज़ें देंगी ताकि यहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम है वो पुरजोर तरीके से काफ़ी अच्छा कामकाज कोरोना वायरस का कोई मरीज मिलता है या उनकी जांच करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यदि उन्हें मिल जाए तो हो सकता है कि बचावात्मक काम करते हुए वो और भी अच्छा कामकाज कर सकते हैं। और यही खासियत डेंटिस्ट विभाग की है, जिसकी पहल डॉक्टर जो डीन साहब है वो उनकी ओर से की गई है। फडनाइक साहब के जब ध्यान में आए कि ये चीज़ अपने पास नहीं है तो उन्होंने इस बात की पहल किया है, और बहुत जल्दी सामान इनके पास ये वस्तुएं आने वाली है। नागपुर के डेंटल विभाग से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इन बी सी न्यूज़ नागपुर।